नमस्ते, आई एम जेवी डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज ऑन दादाभाई नारोजी के राजनीतिक विचार। भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक उन्नति में पूर्ण विश्वास रखने वाले दादाभाई नारोजी अपने राजनीतिक विचारों के कारण उदारवादियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अपनी उदारवादी नीति के कारण वे अंग्रेजों के विवेक एवं उनकी न्यायप्रियता के प्रशंसक थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत भारत का भविष्य सदैव उज्जवल रहेगा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाने वाले पुनीत कार्य में भी विश्वास था। उनकी धारणा था कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुमुखी विकास के लिए दैविक वरदान का कार्य करेगा। जब कभी भी उन्हें अवसर मिला, तब तक वे भारत पर किए गए अंग्रेजों के उपकार पर वर्णन करने से पीछे नहीं रहे। दादाभाई नारोजी ने अपने उदारवादी या मितवादी दृष्टिकोण के कारण प्रार्थना या याचिका का मार्ग अपनाया। उनकी दृष्टि में ये पद्धति तत्कालीन परिस्थितियों के अत्यंत उपयोगी पद्धति की तथा वे उस पद्धति को सशक्ति प्रतिरोध से अधिक मूल्यवान समझते थे। शायद दादाभाई नारोजी को ये विचार सत्य के अधिक निकट था। उन दिनों में ब्रिटिश सरकार अपने चरम पर था तथा भारत के राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाला तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला कोई संगठन विद्यमान नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थिति में अंतर आया और फिर 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचारित पक्ष उदारवादी अथवा मितवादी बना रहा। वे कहा करते थे कि अंग्रेजों को याचिकाएं प्रस्तुत करने का कोई भिक्षावृत्ति नहीं है। उनके अनुसार जिस तरह औपचारिकता में विश्वासपात्र सेवक प्रार्थना पत्रों पर लिखा जाता है, उसी तरह ये याचिकाएं भी औपचारिक शिष्टता के अधिक नम्न भाषा में ही लिखी जा सकती है। किंतु वे याचिकाएं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए तथा सुधारों के लिए, ताकि ब्रिटिश संसद ये जान सके कि भारतीयों की अभिलाषाएं क्या हैं तथा भारतीय जनता किस प्रकार से सोचती हैं। ब्रिटिश ध्वजा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किंतु दादाभाई नारोजी ने तो भारत के जन्म सिद्ध अधिकार की मांग कर रहे, जैसे कि बाद में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की, और न दादाभाई प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की दुआई देकर रूसों के समान स्वतंत्रता की बात लाना चाहते थे। वे इन अधिकारों को अंग्रेजों की दयालुता एवं उनके चरित्र लक्षण पर निर्भर मानते थे। दादाभाई नारोजी ने अपनी सुधारवादी प्रति के कारण समस्त प्रकार के सुधारों के लिए अंग्रेजी शासन का सहारा लेना उचित ठहराया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार योजना ब्रिटिश शासन के प्रमुख प्रस्तुत की। दादाभाई नारोजी की एक मांग ये रही कि प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त किया जाए। उनका यह सुझाव कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। वे एक और अंग्रेजी शासन की असमानताओं व भेदभाव की नीति को चुनौती दे रहे थे, तो दूसरी ओर वे सुशिक्षित व इंग्लैंड में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त भारतीयों की रोजगार की समस्या का हल प्रस्तुत कर रहे थे। दादाभाई नारोजी ने अपने मांगों के अंतर्गत में एक मांग ये भी रखी थी कि भारत को शीघ्र ही प्रतिनिधित्व संस्थाओं में नियुक्त किया जाए। साथ ही ये सुझाव उनकी दूरदृष्टि का परिचायक था। इस योजना के अंतर्गत भारत सरलता से सुशासन की ओर बढ़ते हुए एक पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य बन सकता था। इस प्रकार से दादाभाई नारोजी भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी चिंतित थे। वे चाहते थे कि इंग्लैंड तथा भारत के आर्थिक संबंधों में मधुरता बनी रहे, किंतु साथ ही इंग्लैंड तथा भारत दोनों में ही समानता के आदर्श का पालन किया जाए। दादाभाई नारोजी का विश्वास था कि भारत के राजनीतिक दासता के लिए भारत की आर्थिक स्थिति उत्तरदायी है। वे इस आर्थिक संकट को भारत के नैतिक व भौतिक पतन का मूल कारण मानते थे। उनके अनुसार भारत में व्यापार करने वाले प्रत्येक यूरोपवासी से तत्संबंधी भारतीय के व्यापार से वंचित कर दिया गया। ये क्रम प्रशासनिक सेवाओं को भी चलता रहा। व्यवसाय तथा प्रशासन दोनों में ही प्रताड़ित एवं तिरस्कृत होकर भारतीयों ने स्वतंत्र निर्णय की दक्षता व आत्मविश्वास की भावना खो दी। इसी प्रकार विदेशी शासन ने भारतीयों को बुद्धि, वैभव और व्यवसाय तीनों ही वंचित कर दिया। दादाभाई नारोजी की निरंतर प्रयास रहा कि भारतीयों द्वारा जो भी खोई हुई प्रतिभा को पुनः प्राप्त किया जाए। भारत में खोए हुए ये आत्मविश्वास को प्राप्त होने वाले उन्होंने व्यवस्थापिकाओं के सुधार पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधि शासन का लाभ प्राप्त कर सकें।